हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। और सावन की सोमवार की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा सावन का सोमवार का दूसरा व्रत है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। तो आप हमारे ब्लॉग में पूरे बने रहिए, आपको पूरा ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो देखिए हमारी थाली एकदम तैयार है और हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। पूजा करने ये देखिए, अभी जाएंगे पूजा करने, तो फिर आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। ओके, तो अभी हम लोग पूजा करके आ गए और आज हमारा आया छोटा सा बाबू, तो चलिए आपको दिखाती हूँ। ये हमारा बाबू है और इसके कपड़े हमने उतार दिए हैं, काहे कि ये नहा के नहीं आया था। गर्मी लग रही है, नहला है और गर्मी लगने पे चले तू ना बाबू। बाबू गर्मी लग रही है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो, देख लो बाबू। तो गाइज अभी हम लोग आए हुए हैं छत और बाबू चला गया है, वीडियो नहीं बनवा रहा था। उसका बाबू छोटा नाम, छोटा भी नहीं, उसका शिवांश नाम है। क्या नाम है? छोटा शिवांश, उसका शिवांश नाम है। और कोई छोटा कहता है, कोई बाबू कहता है, तो वीडियो नहीं बनवा रहा था। रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था अपने मम्मी के लिए। मम्मी मम्मी मम्मी, बस मम्मी को तो जाते हैं लोग। और फिर फोटो वगैरह भी उसके साथ कुछ मतलब नहीं खींच पाए। तो अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो गाइज अभी आज ना हम लोगों को पहले व्रत में ना थोड़ा सा प्यास भी बहुत लग रही थी और भूख भी लग रही थी। आज के व्रत में तो हम लोग को ना प्यास लगी है ना भूख है ना, कुछ नहीं लगी है क्या? कुछ एक भी भूख प्यास नहीं लगी सच्ची में। तो आज हमने एक बार बस मतलब कि वो कुछ पानी वानी पिया था दोपहर के बारे में। तो आज सच्ची में हम लोग को भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी है। और मतलब कि एक बार पहले व्रत रह लो फिर उसके बाद रहो तो प्यास वास लगती नहीं है एकदम से। तो आज मतलब तो हम लोग को लग ही नहीं रहा कि हम लोग व्रत हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं हम लोगों ने, एक भी बार ऐसा नहीं लगा। सच्ची में भगवान में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, अगर भगवान का व्रत रखो तो भूख प्यास सब कुछ खत्म हो जाते, तो कुछ लगता ही नहीं है। मानसी को इतना ज्यादा भूख लगती थी कि ये बिना खाए रह ही नहीं सकते है ना मानसी। आज एक बार भी नहीं बोली कि मुझे भूख लगी है जी में। तो अभी हम लोग देखिए छत आए हुए हैं, थोड़ा सा सोचे कि आप लोग को भी यहाँ मतलब आप लोग से थोड़ी बातें हो जाए और थोड़ा सा आपको यहाँ का व्यू दिखा दूँ कैसा है। एक बात बताऊँ आपको, हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। और एक दिक्कत मैं आपको बता दूँगी ना तो आप मतलब कि हैरान ही रह जाएंगे। पता है गाइस दिक्कत क्या हम लोगों की, मतलब मैं आपको क्या दिक्कत बता जाती है, लाइट की दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सच में मच्छर इतना काट रहे हैं, भरन 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 बहुत मच्छर काट रहे हैं। पता ही क्या है, आज हमने दिन भर खूब कस के सोया, खूब कस के, यानी कि अनलिमिटेड सोया बहुत ज़्यादा। पता है रात में क्या रहता है, हम लोग दिन मतलब रात भर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब कि आधा आधा घंटे में जैसे लाइट आएगी 10 मिनट रुकेगी फिर चले जाएगी, फिर आधा घंटा रुकेगी फिर चले जाएगी, इसी तरह पूरा रात हम लोग एक बार ऊपर जाएंगे छत, छत जाए छत से फिर आ जाएगी तो फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे जाएंगे थोड़ी देर लेटेंगे फिर लाइट चली जाएगी, पूरी रात ऐसे करते तो हम लोग की नींद नहीं पूरी होती सच्चे में। ये वाली दिक्कत ना बहुत ज़्यादा है और इतना मतलब उसको लाइट वाले को हम लोग बोलते हैं उसको पीट पीट के मारना चाहिए हम। सच में ये वाली दिक्कत ना बहुत ही ज़्यादा है सच में हम लोग को, मतलब कि अब क्या ही मैं बताऊँ आपको, हम लोग की नींद नहीं पूरी होती है, इसीलिए फिर दिन में खराटे लगा के सोते हैं हम लोग। तो यहाँ का मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ अपनी छत का कि कैसा लगता है, देखिए आप लोग। तो ये देखिए कितना प्यारा, ये कितना प्यारा व्यू लग रहा है हमारे यहाँ का, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए वाव ब्यूटीफुल है कि नहीं आप बताइए कमेंट में, है ना ब्यूटीफुल। यहाँ किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगी मस्त शूट करूंगी, अच्छा लगेगा। और इधर आप देख लीजिए, ये हमारा अशोक का पेड़ है, यानी कि बरसात के सीजन में ना
क्या है कि ये बरसात के सीजन में पौधे ना एकदम से हरे भरे खिलखिला जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती है। हरियाली भी बहुत अच्छी लगती है। यही पौधे गर्मी के मौसम में ऐसे हो जाते हैं जैसे कि सूख के लकड़ी सारी पत्ती इनकी झड़ जाती है। और अभी देखिए कितने सुंदर सुंदर सब पौधे लग रहे हैं ना। तो थोड़ा इसमें दिक्कत तो होती है बरसात के सीजन में, बट अच्छा भी बहुत लगता है। तो आपको सॉरी सावन के सोमवार के दूसरे सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब तीसरे सोमवार का हम लोग वेट करेंगे, तो आपको तीसरे सोमवार का ब्लॉग भी दिखाया जाएगा। ओके, तो तीसरे सोमवार को हम लोग क्या प्लान बना रहे हैं कि हम लोग कहीं घूमने जाएं, है ना। मतलब कि कहीं घूमने हम लोग जाएंगे, आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे, क्योंकि घर का व्यू कहाँ तो घूमने? वो तो फिर व्लॉग में पता चलेगा। तो अभी निश्चित नहीं है कहाँ पे जाते, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी जाएंगे, तो आपको बताएंगे और फिर वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे। ओके, तो अभी देखिए मच्छर मच्छर मतलब कि मच्छर मारने वाली दवा देखो डाली जा रही है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दिख ही नहीं रही है, इधर साइड आए तो देखिए, देखिए धुआं धुआं आपको दिख रहा है, यही दवाई डाली जा रही है। इधर साइड उधर ही साइड से जाएगी, जो इधर साइड से आएगी तो फिर दिखा देंगे। तो गाइस दवाई डालने वाली उधर मशीन चली गई, हम लोग देखते ही रह गए। वो देखिए वहां से धुआं उठ रहा है, ये देखिए ये इधर साइड पहुंच गई। गाइस हम लोग ना लाइव आने का भी मतलब कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि अब लाइव आया करेंगे, तो मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी। तो अब आप मुझे मतलब फेस टू फेस यानी कि लाइव देख सकते हैं, तो उसका मैं टाइमिंग आपको बाद में बताऊंगी किस टाइमिंग में लाइव आया करूंगी, तो आप देखिएगा। ओके, तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, हमारे ब्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे, तो हमारे वीडियो कमेंट कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, और हम लोग का सपोर्ट भी कीजिए। ओके, शेयर कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलेंगे, और महादेव आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। ओके, तो बाय बाय, हर हर महादेव सभी को।